नमस्कार। आप कौन? मैं दीदी। ओ दीदी, ममता बैनर्जी आई है हमारे शो पर, बहुत अच्छी बात है। हाय। मजाक करते हैं बेटा, मैं तेरी भी दीदी हूँ, तेरे पापा की भी दीदी हूँ, उनके पापा की भी दीदी हूँ, इन शॉर्ट मैं देश की दीदी हूँ। ओह अच्छा अच्छा, अल्टीमेट दीदी हैं आप। तो दीदी आप यहाँ कैसे? भाई जहाँ संगीत होता है वहाँ मैं पहुँच ही जाती हूँ, और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ किसी और की जरूरत ही नहीं, ये तो सब जानती है। दीदी आप तो कभी भी किसी अवार्ड फंक्शन पे नहीं आती, आज यहाँ आप स्वयं कैसे प्रकट हुई? बेटा क्या है, दरअसल आज करके जो संगीत हैं गीत उनको लेके थोड़ा चिंतित हूँ। भाई वो अभी गाड़ी में आ रही थी, गाना है ना वो हिल के नाचो नाचो, क्या है? जी जी, ओ नाचो सारे जी फाड़ के। हाँ भाई कि ये गाना सुन के तो मेरा जी घबरा उठा, मतलब गाड़ी में। दीदी माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपके वाले जी और उस वाले जी में थोड़ा फर्क है। अच्छा, वैसे उदित जी कैसे हैं? उदित जी अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं एज ऑलवेज। अरे जीते रहो बेटा, खुश रहो। भाई क्या है, ये आज एक फिल्म आई है क्या, हेट स्टोरी 2, उसका भी एक गाना दोबारा आया है, क्या है वो? हाँ, आज फिर तुम पे प्यार आया है। विनोद खन्ना ने माधुरी से प्यार करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, फिर दोबारा क्यों बनवाई गाना? खैर बेटा, कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुन के ऐसा लगता है कि पहले भी सुन चुकी हूँ, जैसे डेजा वू के बारे में आप जानते हैं, मुझे डेजा सू होता है। एक गाना है ना, चिट्टिया कलाइया वे हो बेबी मेरी तेरे हिस्से आइया वे, छोड़ के और बाकी भी बहुत अच्छे ओरिजिनल अच्छे गाने बनते हैं। हाँ हाँ, अरे एक वो गाना भी है ना वो क्या है, स्केल देना बेटा। जी मैनू यार ना मिले ते मर जावा, है लेकिन इसका मूड थोड़ा अच्छा नहीं, मतलब जैसे मरने की बात है तो थोड़ा इमोशन और होना चाहिए, मतलब मैं होती तो मैं ऐसे गाती। जी मैनू यार ना मिले को बीच में थोड़ा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था अचानक। नहीं बेटा, अपग्रेड कर रही हूँ अपने आप को जमाने के हिसाब से। बहुत अपग्रेड कर रही है। टैबलेट इतनी सी होती थी, आज इतनी बड़ी हो गई है। तो खैर तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं? हाँ जी अंदर जरूर। लोग सोचते हैं कि मैं आइटम नंबर नहीं गा सकती, गलत है। सही बात है, आजकल तो आइटम नंबर्स का ही जमाना है, यू नो बेबी डॉल एंड पिंक लिप्स और यू नो। बिल्कुल सही कह रही, बेबी डॉल ये
गाना मतलब बहुत चलन में है आजकल. मैं सोच रही हूँ अगर हमारे जमाने में ये लिरिक्स होते तो मैं कैसे गाती. हम भी जानने के लिए उत्सुक हैं. ये बड़ा नटखट है ये राहुल. अभी गेटअप में हो ना इसलिए बाद में मिलना पीछे. हाँ एक गाना आया था बेटा, ये आइटम नंबर की बात कर रही थी. ये अजय अतुल रगड़ा पैटिस जैसी जोड़ी आए थे मेरे पास. अच्छा चिकनी चमेली गवाने. भाई मैं तो लिरिक्स पढ़ते ही मूड समझ गई गाने का और गा दिया मैंने. चिकनी चमेली आई पौआ चढ़ा के आई पौआ 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 पौआ. चीयर्स. क्या बात है क्या बात है. चीयर्स. हमारे जमाने में सिंगर्स बेहतरीन एक्टर्स हुआ करते थे जैसे किशोर दादा, वो ऊपर वाले का कमाल था. आज की तारीख में भाई एक्टर्स बेहतरीन सिंगर्स हो रहे हैं, ये ऑटो ट्यूनर का कमाल है. एक बार जोर तालियां ऑटो ट्यूनर के लिए हो जाए. मेलोडाइन जिंदाबाद. जिंदाबाद. भाई कुछ अलग करने के चक्कर में म्यूजिक डायरेक्टर्स एक्टर्स से प्लेबैक करवा रहे हैं. प्लेबैक, अरे आलिया बेटी कहाँ गई उसको बता दो. प्लेबैक का मतलब पर्दे के पीछे गाना होता है, पीछे खेलना नहीं होता. उषा जी नमस्कार. बहुत लव यू. मतलब क्या बात. उषा जी के बारे में एक बात बताऊँ, अंदर की बात है सॉरी. ज़रा एक पिक्चर आई थी सन ऑफ ए पाई एंड लाइफ ऑफ सरदार. नहीं 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 नहीं, लाइफ ऑफ पाई और सन ऑफ सरदार क्या फर्क पड़ता है. उम्र हो गई है ना. तो सन ऑफ सरदार का एक गाना था रानी तू मैं राजा वो, है ना. जी जी. वो गाना पहले सोनाक्षी सिन्हा की आवाज के लिए उषा बहन को अप्रोच किया गया था. क्या है, मैं बहुत खुश हुई बेटा. मैं फूली नहीं समाई. मुझे लगा कि भाई बॉडी को वॉइस तो मिलती रहती है, पहली बार वॉइस को सही बॉडी मिलेगी. बहुत प्यारा गाती उषा. तुम्हारे तो भाई फैंस हैं हर जगह. उषा फैंस. बहुत प्यारा गाया मैंने सुना था रिकॉर्डिंग. मैं गा के बताती हूँ. रानी तू मैं राजा जा सिंग इट अप एवरीबॉडी बा 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 ना ना नानी मा बा बा बुआ. हे रानी तू मैं राजा जा सिंग इट अप एवरीबॉडी बा 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 मा मा मामी मा सा सा बुआ. क्या बात है क्या बात है दीदी. फिर क्या हुआ. फिर क्या भाई, पता ही नहीं चला कब गाना इनसे लेके मिका से गवा लिया. मतलब मैंने कहा कि भाई मेल वॉइस की ही जरूरत थी, तो इतनी जोरदार आवाज क्या कम थी. छोड़ो. फिर क्या हुआ. फिर क्या, एक बार तो म्यूजिक डायरेक्टर्स चले गए. आजकल की हिट एक्ट्रेस वो क्या क्वीन की हीरोइन वो कंगना रनौत. कंगना, कंगना के पास चले गए कि प्लेबैक करें. अब कंगना के पास गए तो उसने इनको देखते ही बोल दिया, देखिए मैं तो सिर्फ अपना गाना ही गाते हूँ, मैं किसी और का गाना गा नहीं सकती हूँ. बिकॉज यू नो आई हैव टू कम. देखिए मैं अपना गाना गाऊंगी लेकिन आपको नीचे सब टाइटल्स होने जरूरी है. मतलब सब टाइट होने चाहिए. ओके यू गॉट इट. ओके म्यूजिक कम ऑन. म्यूजिक सब दिस सब करा मेरे को. म्यूजिक बंद बजा. ओके तू हो गई वन टू टू और करिए टू टू टू. तू हो गई मुंडे दी चुतुरु थुरु तू तू पतंगा वर दी तू एमे सुर दी तू हो गई मुंडे दी थुतुरु थुतु थुतु. फिर क्या हुआ. पानी पानी हो गए म्यूजिक डायरेक्टर. <बहुत क्या? laughs>
और मेरे पास आए, मैंने कहा भाई क्या फर्क पड़ता है, हमारे समय में होते थे किशोर दादा, रफी दादा, और आजकल के गाने सुनो तो पता ही नहीं चलता कि कौन नर है और कौन मादा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर झुमका गिरा रे बार बार चल रहा है। सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बता दूं, मैं डेब्यू कर रही हूं एज अ रैपर। भाई मधु सिंह करके एक नया लड़का आया है ना, मधु सिंह। मधु सिंह? हाँ वो क्या है, हनी सिंह। हनी सिंह, हाँ 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 हाँ। जी जी जी। तो उसे बता दूं कि भाई रैप यो यो नहीं होता, रैप यो यो होता है। म्यूजिक भाई ताली बजाएंगे सब। कम ऑन एवरीवन। लुक छुप के मैं घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा भैया, खिल खिल के हंसती गली गली, कहीं खिला नहीं मेरा जिया। मेरी इतनी कहानी, मेरी है परेशानी, कोई आए कोई आए कोई बोले मैंने दिल दिया। ओ यो यो देश की दीदी, गिरता देवर दीवाना कुड़ियों को डाले दाना, गिरता देवर दीवाना दाना कुड़ियों को डाले दाना, दाना 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 बोल इच्छक दाना बीचक दाना दाने उपदाना, इच्छक दाना इच्छक दाना। क्या बात है दीदी, ये बहुत ही कमाल का वर्जन है नया दीदी का। तो दीदी आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह संगीत की सेवा में लगे रहो, और भाई सभी सुर प्रेमियों को कह दूँ कि घबराओ नहीं, अच्छे संगीत के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। चल तुझे और किससे सुनाऊं अंदर? जरूर जरूर, चलिए। आपके बालों पे ब्लॉन्ड हाइलाइट्स कमाल लग रहे हैं वैसे। Radio Mirchi, Radio Mirchi, turn up the radio, turn up the radio. Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot and we're hot too. Woohoo!